हम इस पौधे में ऐसी तीन गलतियां करते हैं फ्रेंड, जिससे हमारा पौधा इस तरीके से ख़राब हो जाता है। और जब हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं तब हमारा पौधा हमेशा इस तरीके से हेल्दी ग्रो करता रहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आफरीन खान। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमारा वीडियो दूसरे लोगों तक जल्दी पहुँचता है। ये टैंगल हार्ट का प्लांट है फ्रेंड, और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है। एक बार अगर आप इसे अपने घर पे लाते हैं तो फिर दोबारा आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है नर्सरी से। समर में इसकी ग्रोइंग सीज़न होती है, विंटर के टाइम पे ये थोड़ा सा डोरमेंसी पे रहता है फ्रेंड, यानी कि उनका सोने का टाइम होता है। और जैसे समर स्टार्ट होता है तो इनकी ग्रोथ अपने आप बहुत अच्छे से होने लगती है। लेकिन इस पौधे में तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड, यानी कि पहला ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करना होता है। अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये पौधा एकदम से ख़राब होने लगता है, क्योंकि इसके पत्तों में ही पानी स्टोर होता है फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसका पत्ता एकदम से मोटा मोटा सा है ना, तो इसे आप इस तरीके से मसलेंगे तो यहाँ पे पानी निकलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए कभी भी पानी को देते समय मिट्टी को चेक करके पानी दे, जब इस तरीके से मिट्टी सूख जाती है तब पानी दे फ्रेंड। और इस पौधे में पानी की कमी भी होने नहीं देना है फ्रेंड। अगर इसमें पानी की कमी होती है तो धीरे धीरे इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, तो इसलिए आपको पानी का ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इस प्लांट में तीसरी बात का ये ध्यान देना है फ्रेंड कि इसे ऐसी जगह रखे जहाँ दिन भर बहुत अच्छा उजाला आता हो लेकिन धूप नहीं रहे, क्योंकि एक तरह का इंडोर प्लांट है तो इसे धूप जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी खासी जहाँ पे उजाला रहती है फ्रेंड, दिन रात की ऐसी ब्राइट लाइट जहाँ पे मैंने रखा है वहाँ पे बहुत अच्छे से चलता है। अगर धूप वाली जगह में रखेंगे तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है फ्रेंड। मैंने इसे थोड़ी सी धूप वाली जगह में भी रख दी थी, इसमें अंडर वाटरिंग भी हो गया था, ओवर वाटरिंग भी हो गया था, सारे प्रॉब्लम हो गए थे इसमें, तो इसीलिए इस पौधे की कंडीशन ऐसी हो गई। तो आप इस पे तीन बातों का ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड इस पौधे को। अगर एक महीने डेढ़ महीने में भी अगर आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे देते हैं तो काफ़ी रहता है। और मैं इसमें ही फिर से इस टैंगल हार्ट के प्लांट को लगा दूंगी फ्रेंड। बहुत आसान तरीका है इसको लगाने का, तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ और मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें एक थोड़ी सी नई मिट्टी ऐड कर लेती हूँ फ्रेंड। मैंने इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी है फ्रेंड, इसमें मैं थोड़ा सा मिट्टी और मिलाऊँगी। ये मिट्टी में मैंने कोकोपीट नहीं मिलाया है, क्योंकि कोकोपीट पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखता है, और मैं बाहर यानी कि छत में ही कहीं पे इसे लगाने वाली हूँ फ्रेंड, तो बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होगा तो ये पौधा ख़राब होगा, इसलिए मैंने एकदम से इसमें कोकोपीट बिल्कुल नहीं मिलाया है। और इसको लगाने का दो तरीका है फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके से जो बेल आती है उस बेल को सिर्फ इसके ऊपर आप रख दें। रखने से क्या होगा, ये पत्तों के नीचे इसके नोड एरिया होता है यहाँ पर, और इसको आप ऐसे रखेंगे और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से दे देंगे तो यहीं पे नई ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा तरीका ऐसा होता है फ्रेंड, आप इस तरीके से कोई एक कटिंग ले ले, उस कटिंग को क्या करें, कटिंग को लेने के बाद फ्रेंड सिर्फ इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद आपको सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें मॉइस्चर को बरकरार रखना है, सूखने देना नहीं है, तो सिर्फ पानी को स्प्रे करते रहेंगे आप तब तक, तो बहुत अच्छे से यहीं पर ग्रो करेगा। और जब ग्रो हो जाता है फ्रेंड तो आप यहाँ से बेल को कट कर सकते हैं, तब आपका सेपरेट या अलग कंटेनर तैयार हो जाएगा। और पानी इस तरीके से कोई किसी भी स्प्रे से दे फ्रेंड, क्योंकि पानी इस तरीके से अगर हम देते हैं तो बहुत आराम से इनको पानी मिलता है और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, यानी कि जब आप कटिंग लगाते हो। सिर्फ इतना ही केयर करें फ्रेंड, बहुत अच्छे से चलता है। और अपने पौधों को धीरे धीरे कभी कभी चेक कर लिया करें हटा हटा कर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मिली बग दिख रहा है ना वाइट कलर का, तो इस तरीके से पूरे के पूरे पौधे को हमारा ख़राब कर देता है वो। तो हर पौधों को चेक करते रहें उनके पत्तों को। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।